हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 4 अप्रैल और मैं जा रही हूँ नवों के वैक्सीनेशन के लिए। काफ़ी धूप है हमारे शहर में। कहा जा रहा है कि 22 साल में पहली बार इतना धूप है और इतनी गर्मी पड़ रही है। आज की न्यूज़पेपर की खबर है ये। पर नवो सुबह सुबह उठी ही नहीं, उठी है 10:30 बजे, इसलिए हमें लेट हो रहा और हम लेट से निकल रहे हैं। अगर ये सुबह सुबह उठ जाती तो हम टाइम पे निकल पाते, बट कहते हैं कि जब बच्चा गहरी नींद में सो रहा हो तो उसे उठाना नहीं चाहिए, उस पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए मैंने नवो को सोने दिया और नवो अभी उठी है तो मैं उसे तैयार करके दूध वूध पिला के लाई हूँ। पता नहीं क्यों जब भी मैं वैक्सीनेशन दिलाने जाती हूँ नवो का तो इससे ज़्यादा मैं घबराने लगती हूँ। ये तो बच्चा ऐसा समझ में नहीं आता, बट मैं मुझे पसीना पसीना आने लगता है। तो फर्स्ट टाइम मैंने नवो को पेनलेस वैक्सीन दिलाया था। उसके बाद कहीं कहीं से मैंने आर्टिकल पढ़ा तो पता चला कि जो पेन वाला होता है वो ज़्यादा असरदार होता है और ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये सोच के मैंने नवो को पेन वाला दिला दिया था सेकेंड टाइम। बट इसका जो दर्द था और जो तकलीफ थी उसकी भी मैंने वीडियो डाली है, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। तो दिन भर हम परेशान रहे, इसलिए नहीं कि हमें बहुत इसे खिलाना पड़ा झूलाना पड़ा, बल्कि इसलिए क्योंकि ये बहुत पेन में थी और हमारा कलेजा फट रहा था इसे देख के कि इतने ज़्यादा पेन में है, गलती हो गई। तो इस बार हम इसे अगेन पेनलेस वाला दिलाने जा रहे हैं। ओहो, नवो का बुक छोड़ दिया था जिसमें लिखते हैं ये वैक्सीनेशन कब दिलाना है, कब क्या करना है, तो अभी ये ले के आया और बस हम चलते हैं। मैं बहुत पैनिक हो रही हूँ, मुझे पता नहीं हार्ट बीट बढ़ रहा है, कैसे अब इंजेक्शन लगेगा, ये रोएगी, ये सोच के। नवो का वेट लिया जा रहा है क्योंकि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए या फिर कभी नवो बीमार पड़ती है तो डॉक्टर सबसे पहले यही करते हैं कि वो वेट बच्चे का लेते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। तो यहाँ मेरी बेबी का वेट लिया जा रहा है। टेस्ट नहीं पसंद आया, सीयर रिएक्शन। क्या हुआ? ये पी लो। नो बेबी, गोदी लो। तो देखो सको, पकड़ लो, देखना रोए। दोनों एक साथ दीजिएगा। ओ मम्मा, रुक 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 बेटा, रुक बेटा, रुक बेटा। ओ हो हो हो, ओ मेरी जान। नहीं 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 बेटा नहीं। ओ माँ, घर आके थोड़ा बहुत रो रही थी तो हम उसे बार बार डिस्ट्रैक्ट कर दे रहे थे। अनुराधाचार्य नवो के फेवरेट हैं तो ये उन्हें देखती है तो इसे बड़ा अच्छा फील होता है। तो हम टीवी पे उनका प्रवचन लगा दिए थे और ये देख रही थी, और जब भी ये रो रही थी तो हम साउंड बढ़ा के बार बार इसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ नवो का पापा नवो की सिकाई कर रहा है बर्फ़ से। कल गर्म पानी से मजा आ रहा है। हाँ बेटू, पापा जाएगा ना अकेले?
तो तुम मामा के साथ रह लेना बेटू। कहाँ जा रहा है पापा, घूमने? पापा घूमने जाएगा। अच्छा, और बेबी रोएगी तो मैं अकेले कैसे मैनेज करूँगी? और अकेले उतने देर में और रोने लगी तो बेबी तुम्हारे बिना नहीं रहती है सको। कैसे मैनेज मैं करूँगी अकेले? दलत होला है मेरी लाडो को, हाँ ठंडा ठंडा आइस से मजा आ रहा है सिकाई करने से। हाँ डायरेक्ट नहीं सटा, खून जमा हुआ है ना वहाँ पे, खून जम गया है, जम जाता है। अयो बहुत ठंडा है, है चुहिया चुहिया चुहिया। मेरा बेबी इंजॉय कर रहा है, आइस पापा लगा रहा है तो। हाँ वाह वाह, पापा लगाओ आइस और लगा पापा, ये बेबी को इंजेक्शन पड़ा है पर बेबी इंजॉय कर रहा है। यस मेरा सोना, यस मेरा टुकड़ी, जिगर का टुकड़ी, मेरा लाल, मेरा सोना, मेरा लाल, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा लाल, मेरा जान का टुकड़ा। हाँ सुनो ठंडा का बच्चा है मेरा, इसलिए इसको ठंडा नहीं लग रहा बिल्कुल। हाथ लगाते आइस मेरे भीतर डाल दिया। लड़का है, लड़का लड़का लड़का, होली है इस बार, होली नहीं खेली है। तुम कितने गंदे हो, उसको लगाते लगाते आइस में भीतर डाल दिए। तुमको कैसा लगा होली है, होली है, होली है। चोट चोट चोट, नहीं 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 नहीं, चुप हो जाओ, मैं कैमरा ऑन कर दी बेबी ना, वो नहीं रोएगा, कैमरा को देखो और चुप हो जाओ। क्या हो गया, उल्टी आ रही है? हाँ क्यों रो रही हो, सुई दर्द दे रहा है बेबी को। हाँ छुई डाल देला बेबी को, पापा से काय किया है ना अभी, क्यों रो रहा है? देखो कैमरा और चुप हो जाओ, चुप एकदम चुप चुप। देखो देखो मम्मा का वीडियो, देखो मम्मा के वीडियो में तुम हो बेटा, नहीं रो ना वो, देखो मम्मा का वीडियो देखो वहाँ चल रहा है। हाँ हाँ हंस दो, हंस दो, हाँ क्या हो गया ना वो को, घुमा लाऊं क्या, अच्छा नहीं लग रहा तबीयत, घुमा लाऊं। ओ बाल खो, बाल छोड़, बाल छोड़, बाल छोड़। ओ मम्मा मैं तुम्हें कंफर्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, तुम मेरा बाल खींच रही हो, क्या बात है। मम्मा का ब्लॉग ना वो देख रहा है ध्यान से, ध्यान से ना मम्मा का ब्लॉग देख रहा है ना वो। अब्बा इतना अच्छा लग रहा है तुमको मम्मा का ब्लॉग, कोई लाइक करे ना करे मेरा ब्लॉग पर मेरा बच्चा ज़रूर करता है, बहुत ध्यान से देखता है। है ना बेबी, मम्मा की फ़ैन है बेबी, मम्मा की फ़ैन, बोलो हाँ हाँ मम्मा, यू आर सुपर मॉम, बोलो बोलो हाँ, बोलो बोलो हाँ मम्मा, हाँ बोलो बोलो ना, बोलो हाँ। मेरा बच्चा आज बहुत सुस्त है, वो बोल भी नहीं है रही है, डेली बोलती थी बहुत, हूँ हाँ करती थी, आज बहुत सुस्त है, बस सो रही है और कुछ एक्टिविटी कर नहीं रही है, क्योंकि मुझे पता है वो पेन में है। बट जब भी वो रोने की कोशिश कर रही है मैं उसे डिस्ट्रैक्ट कर दे रही हूँ, और थोड़ा बहुत रो रही है तो उछल उछल के घुमा ले आ रही हूँ। दर्द हो रहा है नबू को, चलो 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 घुमा लाओ, नहीं रो नहीं रो नहीं रो नहीं रो नहीं रो। जैसे जैसे शाम हुआ वैसे नबू ज़्यादा रोने लगी और मेरी भी तकलीफ़ बढ़ गई इसे देख के। पूरे टाइम मैं कंधा पे इसे
लेके झुला रही थी, इसकी आंखों में आंसू आप देख सकते हैं। बट बार बार मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी टीवी चला के, प्रवचन चला के, क्योंकि अनुराधाचार्य का प्रवचन इसे बहुत पसंद है तो ये देखती है। बट काफ़ी रोने लगी रात रात तक और मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी इसे देख के। वैक्सीनेशन के बाद बच्चे को मसाज नहीं देना चाहिए, तो काफ़ी ये पेन में होगी और इसका बॉडी भी एक हो रहा होगा ऐसा मुझे लगा। तो फाइनली लूक वार्म वाटर से, थोड़े गुनगुना पानी से मैंने जब इसे नहलाया तो इसे बहुत अच्छा फील हुआ। सर से मैंने इसे नहला दिया, उसके बाद दूध पकड़ाया, फिर ये आराम से सो गई थी। काफ़ी कोशिश हमने की इसे कंफर्ट देने की, बट बहुत बार ऐसा हो रहा था कि ये काफ़ी रो रही थी। तो जब बहुत रो रही थी तो हम वीडियोस नहीं बना पा रहे थे, तो रात के 2-3 बजे तक ये मतलब परेशान की रोती रही। और देखिए कैसे सुबक रही है, नींद में भी काफ़ी तकलीफ़ में थी ये। और पूरी रात हम जागे रहे, कभी प्रवचन सुनाए, कभी इसे पोएम सुना रहे थे, कभी डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। बट बच्चा है तो इतनी तकलीफ़ है तो कितना बर्दाश्त करेगी। यहाँ नवो के पैर के नीचे हमने एक तकिया रखा है और ऊपर में भी एक तकिया रखा है ताकि उसके पैर पे भार बना रहे और उस भार की वजह से वो अपना पैर ज़्यादा नहीं हिला पाए, क्योंकि जितना वो पैर हिलाएगी उतना उसकी तकलीफ़ बढ़ जाएगी। जाके वो फंसे चालक देखा, देखते ऐसे और जरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। हाँ, बार बार मैं उसे ग्राइप वाटर दे रही थी क्योंकि दर्द की वजह से उसका मुंह बार बार सूखता जा रहा था। तो इस तरह से आप अपने बेबी को अच्छा से केयर कर सकते हैं जब उसे वैक्सीनेशन दिलाए। तो बेस्ट पार्ट है कि उसका पैर को हिलने मत दीजिए और डिस्ट्रैक्ट करते रहिए और मुंह सूखने मत दीजिए। ट्राई करिए कि सारा काम बाद में, पहले बच्चे को एक कंफर्ट जोन मिले बस। सुनो 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 बेटू।